एक पेपर ये कहती है कि शादी के 5 साल के अंदर अंदर अगर ये प्रोसीजर हो जाए तो सक्सेस रेट बेहतर है, लेकिन आपको 5 साल या ज़्यादा हो जाए फिर सक्सेस रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। बहुत से मरीज़ आके ये प्रोसीजर करवा रहे हैं, दे आर कंज्यूमिंग देयर मैरिजेज एंड अल्लाह ताला के फजल से दे आर गेटिंग प्रेग्नेंट एज वेल। विजिनिस्मस एक ऐसा मसला है, मेडिकल कंडीशन, जिस पे मेजॉरिटी फीमेल्स बात नहीं करना चाहती हैं, लेकिन ट्रस्ट में विजिनिस्मस की वजह से उनकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। मियाँ बीवी का आपस का रिलेशन की ख़राब होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मेल एंड फीमेल दोनों डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अंडर द टेबल है, उनको शर्म आती है इस बारे में बात भी करना। फीमेल पे पार्टनर ये समझता है कि पता नहीं वो शायद एक वाहिद ऐसी औरत है जिसको विजिनिस्मस का मसला है, और वो समझती है कि उस पर कोई जिन का साया है, कोई जादू है या कोई ऐसी चीज़ है। यहाँ के प्लेटफॉर्म से मैं ये बताना चाहती हूँ कि विजिनिस्मस एक मेडिकल कंडीशन है और इसका इलाज भी मुमकिन है। इलाज मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा ज़िक्र किया, जिसमें हम उनकी काउंसलिंग्स करते हैं और हम उनको काफ़ी सेशंस डायलेटर्स पर डालते हैं जिसके वो रेगुलर सेशंस लेती हैं। अगर ये प्रोसीजर्स फेल हो जाते हैं तो इसका हम प्रोसीजर जो एंड पे करते हैं इंजेक्शन बोटॉक्स। विजाइनल इंजेक्शन बोटॉक्स एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको हम विजाइनल वॉल्ट इंटर्न इनर मसल्स पे लगाते हैं, से मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और वो पेन फ्री हो जाते हैं फॉर 90 डेज। अभी तक जितने मैंने बोटॉक्स किए हैं माई सक्सेस रेट इज़ 90%, एंड द अर्लियर द बेटर। जितना जल्दी आप इंजेक्शन बोटॉक्स की तरफ आओगे उतना इसका सक्सेस रेट बेहतर होता है। एक पेपर ये कहती है कि शादी के 5 साल के अंदर अंदर अगर ये प्रोसीजर हो जाए तो सक्सेस रेट बेहतर है, लेकिन आपको 5 साल या ज़्यादा हो जाए फिर सक्सेस रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। बहुत से मरीज़ आके ये प्रोसीजर करवा रहे हैं, दे आर कंज्यूमिंग देयर मैरिजेज एंड अल्लाह ताला के फजल से दे आर गेटिंग प्रेग्नेंट एज वेल। इफ़ यू थिंक दैट यू हैव विजिनिस्मस, या आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी लड़की है जिसकी शादी को अरसा हो गया है और अभी तक उसने मैरिज कंज्यूम नहीं की, प्लीज़ रेफर देम इन द राइट डायरेक्शन। किसी भी सेक्सुअल मेडिसिन फेलो के पास उसको भेजें ताकि वो इस मसले का हल निकालें। वो सिर्फ अपनी ना मैरिज कंज्यूम कर सकते हैं, बट दे कैन मेक देयर लाइफ हैप्पी बाई नॉट गोइंग इन टू अ डिप्रेशन। इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग विजिनिस्मस तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी बरहम के प्लेटफॉर्म से। माई नेम इज़ डॉक्टर रुहिना गुल एंड आई वर्क एट हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर। या आप कमेंट कर सकते हैं नीचे भी, जिसमें हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।